हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए आज हम बनाते हैं ये क्यूट सा दिखने वाला बीट रूट ककलेट। इसके लिए सबसे पहले मैंने बीट रूट को कद्दूकस कर लिया है, फिर आलू बॉईल करके मैश करके ले लिया है, प्याज मिर्चा धनिया पत्ता, और फिर इसमें मैंने ब्रेड क्रम डाला है। आप इसमें चावल का आटा मैदा कुछ भी डाल सकते हैं, और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर उसके में काला नमक और नमक डाल के और नींबू का रस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल के अच्छे से सबको मैश कर लिया है। और फिर इसके बाद इसको आप जिस शेप में देना चाहते हैं उस शेप में दे सकते हैं। मैंने गोल गोल बना दिया टिक्की के आकार का, और फिर इसको मैंने सूजी में बिना कुछ इसको लेप देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सूजी में इसको ले लीजिएगा, सूजी चिपक जाता है पूरा। और इस तरह मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। और फिर इसको बनाने के लिए मैंने तेल में फ्राई नहीं किया है, डीप फ्राई। आप डीप फ्राई चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैंने तो सिर्फ नॉनस्टिक तवे में ले लीजिए या फिर नॉनस्टिक पैन में या तवे में, दोनों में हो जाएगा। मैंने दोनों में करके दिखाया है। थोड़ा सा तेल डाला और इसके बाद ये बीट रूट को डाल दिया पूरा जो टिक्की बनाया था, और फिर इसको अलट पलट के दोनों ओर अच्छे से पका देंगे। और ये बिना मसालों के बिना ज़्यादा तेल के बनने वाला और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रास्ता है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक बार बना के ट्राई कर लेना, अच्छे लगेंगे। बाय बाय।